जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एजुकेशन सेंटर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, जिसमें हम कोरोना वायरस जो COVID-19 वापस आ गया है उसके बारे में कुछ जानकारी ग्रहण करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो COVID-19 2022 में लास्ट महीने में वापसी कर चुका है, जो चीन में बहुत ही ज़्यादा मौतों का जिम्मेदार बनता चला जा रहा है। चीन में लगभग 90 दिनों में 20 लाख से भी ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। से हमें अपने देश को भी इस कोरोना से बचाना है। वैक्सीन को सभी को अब दोनों डोज लगवानी है, तथा जो एक्स्ट्रा डोज है उसको भी आप समय से लगवाएं, जिससे हम अपने देश को कोरोना से मुक्त कर सकें। पीएम मोदी ने भी मास्क लगाने के लिए दो लोगों को सलाह दी है और अपील की है कि सभी लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। और जो नया वेरिएंट आया है उसका नाम है VF7, मतलब जो कोरोना का नया वेरिएंट आया है जो चीन में अभी फ़िलहाल है, नया वेरिएंट का नाम है VF7। चीन का घातक वेरिएंट भारत पहुंच चुका है, और पहला मतलब जो वेरिएंट है वो भारत में भी पहुंच चुका है, मतलब भारत में इसका मरीज मिल चुका है। भारत में भारत जोड़ो यात्रा रोकने के आग्रह पर कांग्रेस भड़की। मतलब जब ये बात सामने आई कोरोना अब भारत में आ चुका है, तो ये अपील की गई कांग्रेस की, जो अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, मतलब राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है उसको रोकने के लिए कहा गया है, लेकिन कांग्रेस ने उसे रोकने से मना कर दिया है। तो ये नेता लोग अपने मन की हमेशा करते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि हाँ ये कांग्रेस नहीं चाहती है, मतलब उसे रोकना नहीं चाहती हो, लेकिन अगर वास्तव में कोरोना है तो हमें ये यात्रा रोकनी भी चाहिए, और हमें खुद को सुरक्षित रखने के लिए हमें इन सभी से दूर रहना चाहिए, और वैक्सीन को प्रॉपर ही जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करें हमेशा, और आप इससे बचे रहें और स्वस्थ रहें।